नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल स्काई। आपने अभी तक हल्दी के फायदों के बारे में सुना होगा और रोजमर्रा में आप हल्दी का उपयोग खाने और मसाले के तौर पर करते ही होंगे। हल्दी के फायदों से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप इसके होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं? अगर आप वाकई नहीं जानते हैं तो हल्दी के नुकसान के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो हल्दी हर आम भारतीय रसोई में मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। हालांकि इसके अनगिनत स्वास्थ्य लाभ हैं, पर फिर भी इसकी ज्यादा मात्रा के सेवन से कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। वो कहते हैं ना, हर चीज की अति भी नहीं होनी चाहिए। कई महिलाएं इसे फेस पैक में मिलाकर चेहरे पर लगाती हैं, तो कई लोग इसे दूध में डालकर पीते हैं। शायद आपको मालूम हो कि हल्दी की तासीर गर्म होती है, जिस वजह से इसे ज्यादा लेने से आपको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हर किसी को इसे नहीं लेना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनकी बॉडी गर्म रहती है। आइए जानते हैं कि किन लोगों को हल्दी के दूध पीने या ज्यादा हल्दी के सेवन से बचना चाहिए। अगर आपको मसालों के सेवन से एलर्जी हो जाती है तो हल्दी का प्रयोग बंद कर दें, यह आपकी एलर्जी को और बढ़ा सकता है। हल्दी का बहुत अधिक सेवन करने से आयरन का अवशोषण बढ़ जाता है। जिन लोगों में पहले से ही आयरन की कमी है, उन्हें बहुत सोच समझकर हल्दी का सेवन करना चाहिए। इससे एनीमिया की समस्या बढ़ सकती है और खून भी पतला हो सकता है। हल्दी को भोजन में कम मात्रा में लिया जाए तो गर्भावस्था के दौरान कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस समय पर ज्यादा सेवन या इसका दवाई के रूप में सेवन खतरनाक हो सकता है। इससे ये गर्भाशय को उत्तेजित कर सकता है, जिससे गर्भ गिर भी सकता है और मासिक धर्म की अवधि को बढ़ा सकता है। अगर किसी को एसिडिटी और गैस है या पेट का अल्सर है तो उन्हें हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें मौजूद करक्यूमिन गैस एसिडिटी की समस्या बढ़ाता है। हल्दी खून का थक्का जमने नहीं देता है, जिसकी वजह से खून का स्त्राव बढ़ जाता है। अगर आपकी किसी तरह की सर्जरी हुई है या फिर होने वाली है तो हल्दी के सेवन से बचना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए बोल स्काई से।